सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। पिछले दिनों हम लोग एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन पर बात कर रहे थे, या आप कह सकते हैं एपेक्स बॉडीज ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, जिस क्रम में हमने एनसीईआरटी, एससीईआरटी और न्यूपा पर बात की थी। आज हम फिर से अपने एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक को लेकर आए हैं, सोशल कॉम्पिटेंस। ये देखने में लगता है कि आसान है टॉपिक, आसान भी है, बट इस पर मैटर मिलना अक्सर मुश्किल हो जाता है, अक्सर इस पर मैटर नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, और ये हमारे एमए के सिलेबस में भी है। तो इवन और कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है जानने समझने के लिए। तो शुरू करते हैं कि सोशल कॉम्पिटेंस क्या है। अगर हिंदी में जाने हम तो सोशल कॉम्पिटेंस को हम कहेंगे सामाजिक दक्षता। और कॉम्पिटेंस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम ये समझ सकते हैं कि हमको कॉम्पिटेंट होना है, दक्ष होना है सामाजिक रूप से। इस कंसेप्ट में ये सब आएगा। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, इसका इतिहास अगर हम पलट कर देखें, कब किसने सबसे पहले बात की सामाजिक दक्षता के बारे में, कौन कौन से वो मनोविज्ञानी हुए हैं, तो इस क्रम में हमको सबसे पहला नाम और प्रोमिनेंट नाम याद आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक जब अपनी 1920 में थ्योरी देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, हिस्टो और सोशल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस की बात थॉर्नडाइक 1920 ईस्वी में कर रहे हैं। उस वक्त उनका ये विजन था, जिन्होंने ये समझा जाना कि व्यक्ति को, इंडिविजुअल को सामाजिक रूप से भी बुद्धिमान होना चाहिए। तो सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य उनके अर्थों में क्या था? द एबिलिटी टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि हमको अपने मानव संबंधों में हमको बुद्धिमत्ता पूर्ण एक्ट करने की योग्यता, ये सामाजिक बुद्धि है, इन अकॉर्डेंस टू थॉर्नडाइक। और कब ये बात की गई? 1920 ईस्वी में। उसके बाद हमको, फिर हम जब देखते हैं कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल भी कहीं कहीं यहीं से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है, कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस की भी हमको झलक इसमें मिलती है, क्योंकि हमको जब ह्यूमन रिलेशंस की बात करेंगे तो इमोशन से तो डिटैच हो नहीं सकते। फिर उसके बाद हमको जो प्रोमिनेंट रिसर्चर मिलते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की फील्ड में, वो है फ्रैंक ग्रीशम। ये mid-1980s में हमको, हमसे बात करते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की, और यहाँ ये सोशल कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, ये सोशल इंटेलिजेंस शब्द को इन्होंने छोड़ दिया और नया शब्द सोशल कॉम्पिटेंस लिया है। और तीन सब डोमेन की बात कर रहे हैं सोशल कॉम्पिटेंस में, जो कि क्या है? एडेप्टिव बिहेवियर, सोशल स्किल्स एंड पीयर एक्सेप्टेंस, यानी कि हम में कितनी क्षमता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि जब हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करेंगे, जब हम सोशली अडेप्ट होने की बात करेंगे, तो हमको अडेप्टिव बिहेवियर आना ही आना चाहिए। सोशल स्किल्स, उसके बिना तो सोशली कॉम्पिटेंट और सोशली इंटेलिजेंस आप हो ही नहीं सकते, कि हमारे अंदर सामाजिक कौशल होनी चाहिए। और सॉरी, पीयर एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कौन कितना सोशली पावरफुल है, सोशली यू कैन से कि पॉपुलर है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पीयर ग्रुप में कितनी उसकी एक्सेप्टेंस है। क्या आप ऐसे हैं जिसको हर व्यक्ति अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, या आप एकदम अपने ग्रुप की जान होते हैं? आप जब अपने ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में एकदम आपका डायनेमिक रहता है, तो स्टैटिक पड़ जाता है। तो पीयर एक्सेप्टेंस एक बहुत बहुत यू कैन से कि प्रोमिनेंट डोमेन है, सब डोमेन है सोशल कॉम्पिटेंस का, जो हमें ये बताता है कि हम सोशली कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। फिर बात करें अगर डेफिनेशन की, हम किस तरह से सामाजिक दक्षता को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो कई डेफिनेशंस हैं क्रमवार। 1959 ईस्वी में सबसे पहले वाइट बात करते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की, और कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म्स कैपेसिटी टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद इट्स एनवायरमेंट। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमको वेशलर की डेफिनेशन की याद दिलाता है, जहां वो कहता है कि एक्ट परपसफुली विद इज एनवायरमेंट, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने इंटेलिजेंस का ही वो सब पार्ट ले लिया है। तो इन ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी मतलब एक व्यक्ति की, एक जीव की वो कैपेसिटी, क्षमता, जिससे हम वातावरण के साथ कितनी इफेक्टिवली, कितने प्रभावपूर्ण तरीके से अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये इन जनरल डेफिनेशन है। फिर उसके बाद 1969 में एक डेफिनेशन मिलती है हमको गोल्ड फ्राइड एंड डी जूरिया की। वो कह रहे हैं कि द इफेक्टिवनेस ऑफ एडिक्वेसी विद विच एन इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू वेरियस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस विच कन्फ्रंट हिम, यानी कि हम पे जब, देखिए, जब तक हमारे अंदर सब गुडी गुडी है, तब तक हमको कोई विशेष स्किल हमारे पास है नहीं है, हम कॉम्पिटेंट है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता।
ये सब जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी प्रॉब्लम में सिचुएशन में होते हैं, हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तब हमको ये जांचना उचित होता है कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितना हम चीजों को आसानी से डील कर पा रहे हैं. तो इफेक्टिवनेस ऑफ एडिक्वेसी यानी कि विद विच एन इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, यानी कि वो क्षमता, वो योग्यता कि जब हम पर कोई मुसीबत पड़ती है, हम किसी तकलीफ में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तब हम कितनी बेहतर तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, देन एन इंडिविजुअल्स एवरीडे इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद हिज एनवायरमेंट. ये भी वही बात कर रहे हैं मोर और लेस जो 1959 में कही गई, 1973 में भी वही बात की जा रही है. फिर क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिव एंड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग इंटरेक्शंस बिटवीन ए चाइल्ड एंड पीयर्स और एडल्ट्स. ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है, ओ मैले की 1977 में मिलती है हमको ये डेफिनेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि बालक, उसके जो समवयस्क हैं, पीयर को हिंदी में समवयस्क ग्रुप कहते हैं, और एडल्ट्स, और जो वयस्क है, बालक, वयस्क और समवयस्कों के बीच में अगर हम सेटिस्फाइंग इंटरेक्शन है तो इसका मतलब कि आप हम सोशली कॉम्पिटेंट हैं. फिर 1983 में एक डेफिनेशन मिलती है, द कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज वन हु इज एबल टू मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल एंड पर्सनल रिसोर्सेज टू अचीव अ गुड डेवलपमेंटल आउटकम. यानी ये डेफिनेशन देखिए थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. ये सिर्फ ये नहीं कह रही हम कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि कह रही है मेक यूज ऑफ, मतलब हमको उसका उपयोग भी कर लेना है. हमको जो इन्वायरमेंटल और पर्सनल रिसोर्सेज हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर हम उनका अच्छा उपयोग कर पाते हैं तो इसका मतलब हम सोशली कॉम्पिटेंट हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूबिन एंड रोज क्रेजनर 1992 में हमको डिफाइन करके बताते हैं कि द एबिलिटी टू अचीव पर्सनल गोल्स इन सोशल इंटरेक्शन वाइल साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स ओवर टाइम एंड अक्रॉस सेटिंग्स. यानी कि हमको पर्सनल सोशल इंटरेक्शन में पर्सनल गोल को अचीव करने की योग्यता, जबकि हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके किसके साथ, दूसरों के साथ ओवर टाइम. यानी कि आज है और कल हमारा रिलेशनशिप बिगड़ जा रहा है तब हम सोशली कॉम्पिटेंट नहीं है, समय के साथ अक्रॉस सेटिंग्स बदल जा रही है तब भी हमारी कॉम्पिटेंसी काम दे रही है, साथ दे रही है हमारा, तब हम सोशली कॉम्पिटेंट हैं. तो इन डेफिनेशन से क्रक्स क्या निकल के आता है कि हम इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सके एनवायरनमेंट के संग, हमारा पीयर के संग, एडल्ट के संग एक फ्रूटफुल हमारा कोरिलेशन हो, कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और हम न सिर्फ इतना करें बल्कि अपने फिजिकल और पर्सनल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी कर सकें, पॉजिटिव रिलेशनशिप रख सकें. इतना समझ में आ गया, मतलब तो समझ में आ गया होगा, आसान है. अगर हम इसके कंसेप्ट को देखें तो कौन सी खास बातें हैं जो सोशल कॉम्पिटेंस को सोशल कॉम्पिटेंस बनाती हैं. सोशल कॉम्पिटेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, बहुत एक विस्तार है परास का, किसका, कॉग्निटिव एबिलिटीज. यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस है पर ऐसा नहीं है कि उसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व नहीं है, ये बात ध्यान देने योग्य है. यानी कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं, इमोशनल प्रोसेसेस, हमारा इमोशन इन्वॉल्व है, संवेगात्मक क्रियाएं और बिहेवियरल स्किल्स और व्यवहारगत कौशल, ये तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कॉम्पिटेंस में. और इसके अलावा सोशल अवेयरनेस है, पर्सनल एंड कल्चरल वैल्यूज है रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. तो एक एक करके देखेंगे कि कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज, कौन से इमोशनल प्रोसेसेस और कौन सी बिहेवियरल स्किल्स हैं जो एक व्यक्ति को सोशल कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करती हैं या सोशली कॉम्पिटेंट बनाती हैं. तो कॉग्निटिव एबिलिटीज में हम सब लोगों को स्पष्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, कि हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो हम कौन सी स्किल्स को यूटिलाइज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, या अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस बिटवीन बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन एडल्ट एंड पीयर, बिटवीन पीयर एंड चाइल्ड, जितने भी प्रकार के रिलेशन है उनको समझने की क्षमता. तो वो भी संज्ञान से आएगा, समाधान कौशल की क्षमता भी संज्ञान से मिलेगी हमको, और बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, है ना. ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हमारा 2 × 2 = 4 या 2 + 2 = 4 का फॉर्मूला सोशल वर्ल्ड में नहीं फॉलो होता है. हर बार सिचुएशन बदलती है तो, प्रॉब्लम बदलती है तो उसके उसके सोल्यूशंस बदल जाते हैं, कंटेक्स्ट बदल जाता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं. तो हमको इतना एबल होना है कि हम वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकें. देन अगर इमोशनल प्रोसेसेस की बात की जाए, कौन सी संवेग इसमें इन्वॉल्व है, तो सबसे पहली बात, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो क्या बताता है, क्या सिखाता है, कि सबसे पहले हमको बीइंग अवेयर ऑफ इमोशंस होना है. यानी कि सबसे पहले हमको जानना है, हमको ये पता होना चाहिए, हम इससे अनभिज्ञ नहीं होने चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन इस वक्त चल रहा है. देन मेंटेनिंग कामनेस, हमको शांति बना के रखनी है, एकदम उग्र नहीं हो जाना है
नो डाउट इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, सिर्फ कह देने से कोई शांत नहीं रहता है। देन मेंटेनिंग कनेक्शन टू अदर्स, है ना, सोशल वर्ल्ड है ना, हमको एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सबसे हमको कनेक्शन बना के रखने हैं, और बीइंग इम्पेथेटिक, हमको इम्पेथी भी रखनी है। देन बिहेवियरल स्किल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, जनरल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, फ्रेंडलीनेस एंड रेस्पेक्ट, यानी हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए अगर हम सोशल कॉम्पिटेंस चाहते हैं अपने अंदर, हमको सुनना आना चाहिए। कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छा श्रोता होता है उससे बहुत दोस्त होते हैं, क्यों, क्योंकि हम प्रॉब्लम में क्या चाहते हैं कि हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, तो शेयर उसी से कर सकेंगे जो हमको पता होगा कि वो सुन लेगा, और अगर हमको पता होगा कि कोई एकदम बेमन से हमारी बात सुनेगा तो हम उससे कहना नहीं चाहते, और कहना नहीं चाहते तो उससे हमारी दोस्ती और रिलेशनशिप कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकते हैं। देन अगर हम इसको सॉरी डोमेन वाइज देखें यही, तो सोशल कॉम्पिटेंस को हम सोशल डोमेन, कॉग्निशन डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन और इमोशनल डोमेन में बांट सकते हैं, यानी कि सामाजिक आयाम है इसका, संज्ञानात्मक आयाम है, सॉरी आई एम स्लीपी दिस टाइम, सामाजिक आयाम है, संज्ञानात्मक आयाम है और संवेगात्मक आयाम है। तो जो सामाजिक आयाम है उसमें कौन कौन से उसके दो सब पार्ट इन्होंने लिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और एसर्टिवनेस, यानी कि कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अगर कोई अच्छा संवाद नहीं कर सकता है किसी के पास, संचार कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अपनी बातचीत को, तो वो कभी भी सोशल डोमेन उसका बढ़िया नहीं होगा, और ना ही वो कभी सोशल स्किल रख पाएगा, और ना कभी वो सोशली कॉम्पिटेंट हो सकता है। उसी तरह से असर्टिवनेस, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्यूचर ओरिएंटेशन, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर और लेस एक जैसी चीजें। देन इमोशनल डोमेन में प्रो सोशल टेंडेंसी और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखिए हम लोग जब आइडेंटिटी क्राइसिस पढ़ते हैं एडोलेसेंट का, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस लगभग हर स्टेज की है, जब हमको एरिक्सन बताते हैं साइको सोशल स्टेजेस, जब हमको और लोग साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, तो हमको पता चलता है कि आइडेंटिटी हर जो हर एज लेवल की जो एक आइडेंटिटी है वो बन जानी चाहिए। अगर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, हम सेल्फ को समझते हैं, सेल्फ वर्थ हमारी अगर रियल है, तो हम नेक्स्ट स्टेज में बेहतर तरीके से जाते हैं। अगर आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाली दिक्कत है, तो फिर हम कभी सोशली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हैं। देन कॉम्पोनेंट्स, कौन से घटक हैं इसके, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्किल्स, कौन कौन से कौशल मिलकर व्यक्ति को सोशल कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करते हैं या सोशली कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो सबसे पहली है इसमें सेल्फ रेगुलेशन, हमको स्व नियंत्रण की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमको स्व को नियंत्रित करने सीखना है, टू कंट्रोल इम्पल्सिस, कि हम अपने आवेगों पर नियंत्रण रख पाए, यानी कि हम किसी से भी कोई भी जरा सी छोटी सी बात में वाद विवाद हो जाए और हम आपा खो दें। डीले ग्रेटिफिकेशन, देखिए जब ये बात करते हैं इसकी, आपके साइकोसेक्सुअल फ्रायड जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन डीले जितना होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो हमको बच्चे को ये सिखाना है कि तुरंत नहीं हमको कोई चीज की बस उसका हल मिल जाए, नहीं, जैसे इंतजार का फल मीठा होता है, यू कैन से। तो सेल्फ रेगुलेट, नहीं अभी हमको बहुत तेज भूख लगी है लेकिन अभी क्लास चल रही है तो हम अभी अपनी भूख को बर्दाश्त करेंगे, फिर हम लंच टाइम में खाएंगे ताकि हम खाएं भी और हमें कोई डांटे भी नहीं, और अगर अभी हम खा लेंगे तो हम खा भी नहीं पाएंगे प्रॉपरली, हमें डांट भी पड़ेगी, क्या फायदा। या खाना मतलब कुकर की सीटी को पूरा निकलने देने का वेट, ताकि आप पका हुआ भोजन कर सकें थोड़ा 5-7-10 मिनट और देर से, वरना क्या फायदा अध पका खाना खाना पड़े। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इसका इसी का हायर इम्प्लीकेशन एजुकेशन में आ सकता है कि हमको बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन सिखाना है। देन इंटरपर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स, देखिए मैं बार जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल व्यक्ति के भीतर ही होता है, यानी कि हमको अपने आप को नियंत्रित करना है, अपने से रिलेटेड है, इनसाइड द इंडिविजुअल, और इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो हमको लोगों के बीच में कैसे बात करनी है उसका ज्ञान और कौशल होना चाहिए। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स नीड्स एंड फीलिंग्स, यानी कि दूसरों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनके क्या महसूस करते हैं वो, इसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर है तो सोशल कॉम्पिटेंस की तरफ ये एक पॉजिटिव घटक है। देन पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी, है ना, हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर हम यही माने कि हमारे अंदर तो कोई वर्थ नहीं है, हम तो किसी काम के नहीं है, ऐसा, तो हम कभी सोशली कॉम्पिटेंट भी नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर कॉम्पिटेंस की क्षमता होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए, हमको अपने आप को अप्रिशिएट करने आना चाहिए, पर्पस होना चाहिए हमारी जिंदगी का। देन कल्चरल कॉम्पिटेंस, जब मैं कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी की बात करती हूँ अपने वीडियो में, तो मैंने आपको बताया है कि कल्चर बहुत जरूरी है और सबको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव सोसाइटी है जिसमें आप किसी को
रेस, कलर, कल्चर, ग्रीड, सेक्स, कास्ट, किसी भी चीज के आधार पर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि हम डिफरेंट मल्टी कल्चरल, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पीपल ऑफ वेरिंग एथनिक और रेशियल बैकग्राउंड्स। कहा भी जाता है ना कि अब जितना मल्टी कल्चरल क्लासरूम मिल रहा है टीचर को, उतना उससे पहले कभी नहीं था। फिर अडॉप्टिंग सोशल वैल्यूज, यानी कि हमको सोशल वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको अडॉप्ट कर सकें, जैसे केयर करना, इक्विटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। देन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मतलब हमको क्या करना है कि पर्पसफुल वे में हमको लगे रहना है, कि हमको नियोजन करना है, नियोजित होकर हम कोई काम करेंगे, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल होगी। अगर ये सब होगा तो क्यों नहीं हम सोशली कॉम्पिटेंट होंगे। यही सब तो आपको सोशल ताने बाने को संभालने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो टू एक्ट इन ए पर्पसफुल वे बाई मेकिंग चॉइसेस, डेवलपिंग प्लान, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो ये तो कॉम्पोनेंट्स हो गए, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरपर्सनल नॉलेज एंड स्किल्स, पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस, अडॉप्टिंग सोशल वैल्यूज एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर हम बात करें एज अ टीचर कि हम कैसे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को सामाजिक रूप से दक्ष बनाएं, तो क्या कर सकते हैं हम। देखिए हर लेवल के लिए अलग है, लेकिन मैंने सिर्फ दो ही लेवल लिए हैं, प्री स्कूल या स्कूल या एडोलेसेंट एज कर सकते हैं इसको। तो प्री स्कूल लेवल के लिए क्या है, टीचिंग और हेल्पिंग चिल्ड्रेन लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड डील विद इमोशंस। जब बच्चा प्री स्कूल में, तो हमको उसको रिकॉग्निशन ऑफ इमोशन सिखाना है, हमको उसको डीलिंग विद इमोशन सिखाना है, बहुत बड़ी बात है ये। देन टीचिंग और हेल्पिंग चिल्ड्रेन लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, कि हमको उनको थोड़ा सा अवेयर करना है कि वो पहले बात तो पहचाने और दूसरी बात कुछ उसके समाधान की और प्रयास कर सके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। देन टीचिंग और हेल्पिंग लर्न टू बी फ्रेंड्स, कैसे फ्रेंडली रहना है। इसीलिए बहुत सारे हम लोग जब बचपन में स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि बी फ्रेंडली, शेयरिंग इज केयरिंग, इस तरीके की चीजें। देन अगर स्कूल एज में आपका बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, तो आप उसको कैसे सोशली कॉम्पिटेंस बना सकते हैं, कॉम्पिटेंस सिखा सकते हैं, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देयर लेवल ऑफ सपोर्ट। धीरे धीरे हमको बच्चे के लिए जो भी हम काम करते हैं उसका सहारा बनते हैं वो कम करते रहना चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जितना ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा वो सोसाइटी से, पीयर ग्रुप से, एडल्ट से डीलिंग सीख पाएगा। देन इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू एंजॉय लर्निंग, हमको बींग अ टीचर हमको हर हाल में उसको सिखाना है कि वो अपनी अधिगम से उसको प्रेम हो जाए, अधिगम में वो खुशी महसूस करने लगे, तो वो बढ़िया हो जाएगा उसके लिए। देन यूजिंग नॉन वर्बल डायरेक्शंस, देखिए कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल डायरेक्शंस के भी उतने ही मायने हैं, कभी कभी उससे ज्यादा, कभी कभी सिर्फ आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं आपको कहता है, तब भी आपको बहुत तकलीफ पहुंच जाती है, या आप समझ जाते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपसे किस हद तक नाराज हैं, किस हद तक आपने उनको चोट पहुंचाई है। तो ये भी सीखना सिखाना है, अप्रोप्रिएट जेस्चर, किस चीज के लिए कैसा जेस्चर देना है। देन मॉडलिंग सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर फॉर चाइल्ड, हमको खुद अब एक मॉडल के रूप में अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन शो करना है चाइल्ड को, बिकॉज चिल्ड्रन क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को। तो वो जब देखेंगे कि आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होते हैं, आप में इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी वो फॉलो करेंगे। देन अगर हम कंक्लूड करना चाहें सोशली कॉम्पिटेंस को, सोशल कॉम्पिटेंस को, तो क्या कह सकते हैं इन स्कूल के परिप्रेक्ष्य में, क्लासरूम के परिप्रेक्ष्य में, टीचिंग के परिप्रेक्ष्य में, तो वो होगा कि ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद अ लॉट ऑफ सोशल सपोर्ट। यानी कि अगर हमको सोशल कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करनी है तो हमको सपोर्ट सोशली करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को, पीयर्स को और जनरल पब्लिक। तो ये सोशल सपोर्ट एस्टैब्लिश होगा तो ही सोशल कॉम्पिटेंस आ सकती है। देन द एनवायरनमेंट शुड एम्फेसाइज ऑन केयरिंग फॉर द सोशल जस्टिस, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये सारी चीजें किसी को कह के नहीं सिखा सकते आप। अगर आप वातावरण में देखेंगे कि आपके बड़े आप ऐसा कर रहे हैं, टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ऐसा सीख जाएगा। देन इन एडिशन द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल एंड नॉन थ्रेटनिंग, शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए। नहीं कि कभी किसी का किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी का किसी से झगड़ा, तो स्टूडेंट समझेंगे कि हम उनसे फालतू, मतलब बस सिर्फ कहने के लिए कहते हैं और हम तो ये सब चीजें फॉलो नहीं करते। एंड नॉन थ्रेटनिंग, मतलब उसमें कोई डर का, भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। ओपन एंड फ्री डिस्कशन के लिए जगह मिलनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स हो, तभी तो ना ये सारा हमारा इमोशनल प्रोसेसेस, हमारे संवेग नियंत्रित रहेंगे जब हम फ्री डिस्कशन की हमको मोहलत मिलेगी, अनुमति मिलेगी, वरना हम फिर कुछ कह नहीं पाएंगे, तो हम फिर कभी कैथारसिस करेंगे कहीं किसी के सामने। एंड एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी एंड फॉर सोशल एक्शन इंक्लूडिंग वॉलंटरी सोशल सर्विसेज। तो
सोशल कॉम्पिटेंस अगर हम चाहते हैं हासिल करना, क्लासरूम सेटअप चाहते हैं, स्कूल में सेटअप ऐसा चाहते हैं, तो इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड दैट वॉट सोशल कॉम्पिटेंस इज, वॉट आर दी what is the definition of social competence, what are the domains of social competence, what are the components of social domain and competence, how do you promote social competence in your child, in your student. Okay, so it's all from my side, done.